बीजेपी की कमल संदेश यात्रा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को बीजेपी की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। तस्वीरें आप नोएडा की देख रहे हैं और यहाँ पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता लोगों के घर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी नेता उनके घरों पर जाकर लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी ने क्या क्या काम किए और क्या क्या बीजेपी की योजनाएँ चल रही हैं। गांधी जी के 150वीं जयंती वर्ष पर यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिन का चालू किया है और पूरे देश भर में अलग अलग समय में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें गांधी जी, महात्मा गांधी जी, उन्होंने जिन आदर्शों के लिए, जिन जीवन मूल्यों के लिए हमेशा काम किया था, उनके उन संदेशों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे काम जो जनता के लिए किए गए हैं उनको लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपको गेट पे मिलना अपने पे संवाद अपने घर के गेट कर रहे हैं। ये 15 दिन का कार्यक्रम भैया, ये कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है 3 राज्यों के चुनाव के बाद जो है, हालांकि कड़ा टक्कर रही है आप लोगों की अच्छी, इसके बाद कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है आगामी चुनाव को देखते हुए? देखिए, हमेशा जिम्मेदारी का एहसास भारतीय जनता पार्टी को और कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के रहता है। लोगों से किए गए वादों को निभाना और लोगों के हित में निरंतर अपने कदम आगे बढ़ें, ये हमेशा ये कोशिश हम लोगों की होती है। इस जिम्मेदारी का एहसास भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को होता है। चुनाव हुए, लोकतंत्र है, जय विजय पराजय ये सब होते रहते हैं, लेकिन अपना संकल्प जो लोगों के हित के लिए हमेशा काम करना है वो वैसे ही अनवरत पूरी प्रतिबद्धता के साथ जारी है। लगता है कि राम मंदिर को लेकर अब जनता जो है ज्यादा जागरूक हो गई, इसलिए क्योंकि लगातार ये कहा गया है कि राम मंदिर बनवाएंगे, केंद्र में राज्य में दोनों तरफ है, क्या अध्यादेश आने की उम्मीद है इस बार शीतकालीन सत्र में? अब देखिए, इस पर तो जो निर्णय आना होगा उचित समय पर उचित निर्णय आएगा, लेकिन इसमें तो कहीं पर भी कोई दोराय नहीं है कि सभी लोग चाहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बने और भव्य राम मंदिर वहां पर बने और बनेगा, ऐसा हमारा। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी बीजेपी की? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव समाप्त होता नहीं है कि हमेशा दूसरे चुनाव के लिए हम सब लोग तैयार रहते हैं। अनवरत भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, संगठन मजबूत संगठन हमारा है, तो निरंतर हम सब लोग उसी रफ्तार से चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी।